हेलो दोस्तों, कंप्यूटर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है न्यू ओपन सेव एंड सेव एज। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां से हम फाइल पे क्लिक करते हैं। यहां पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आज हम सीखेंगे न्यू ओपन सेव एंड सेव एज। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पे हम न्यू पे आते हैं। दोस्तों, आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके भी न्यू पेज ओपन कर सकते हैं और आप यहां पर भी क्लिक करके एक न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहां पे न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यहां से देख सकते हैं न्यू पेज, यहां पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पे दोस्तों हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये एक नया पेज हमको ओपन हो गया। यहाँ पर दोस्तों, टाइप करने के लिए एक बार यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको इस टाइप से कर्सर नज़र आएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। इसके बाद दोस्तों, इसे हम कंट्रोल प्लस एस से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है कि इस फाइल को कहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ से दोस्तों, हम पीसी सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ से दोस्तों, हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक किए। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं एक न्यू विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे दोस्तों, हमसे पूछ रहा है फाइल नेम। तो दोस्तों, यहाँ पर हम दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 ही रहने देंगे। और इसके बाद यहाँ से सेव एज टाइप, कि दोस्तों इस फाइल को आप किस टाइप में सेव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट में ही इसे सेव करेंगे और यहां से सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये मेरा डेस्कटॉप पे सेव हो गया। तो दोस्तों, यहां से फिर से हम एक बार फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस पेज को हम यहां से क्लोज कर दिए। अब दोस्तों, यहां से फिर से हम फाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से दूसरा ऑप्शन है ओपन का। दोस्तों, ओपन पे क्लिक करने के बाद आप जो फाइल सेव किए हैं उसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आपको कोई मेल किया है या कोई आपको कोई फाइल दिया है जिसमें आपको कुछ और टाइप करना है या कुछ डिजाइनिंग वगैरह करना है, तो उसे आप ओपन करने के लिए यहाँ ओपन पे क्लिक करें। ओपन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप उस फाइल को कहाँ पे आप रखे हैं वहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम एक फाइल सेव किए थे डेस्कटॉप पर। तो यहाँ से दोस्तों, आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, इस पर दोस्तों क्लिक करके इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, फिर से यहां हम फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पे न्यू ओपन और सेव को आप समझ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज का। तो दोस्तों, यहां हम सेव और सेव एज में डिफरेंस देखेंगे। इसे समझने के लिए हम एक बार बैक आते हैं। यहां पे दोस्तों, कुछ और हम टाइप कर देते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 कम्प्लीट कंप्यूटर कोर्स। इसके बाद दोस्तों, इसे हम यहाँ फाइल पे क्लिक करते हैं और इसे सेव कर देते हैं। इसे दोस्तों, हम सेव कर दिए तो ये जो अभी फाइल खुला हुआ था दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, उसी फाइल में दोस्तों ये सेव हो गया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से फिर से हम फाइल पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज का। दोस्तों, जब हम यहाँ सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 है, सेम इसी के जैसा एक और फाइल बना देगा। तो दोस्तों, यहां से फिर से हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं और यहां पे दोस्तों, फिर से हमको यहां पे फाइल नेम पूछ रहा है। तो यहां से दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। एक बार दोस्तों, फिर से हम यहां पे फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ से सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, फिर से हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। यहाँ दोस्तों, फिर से हमसे पूछ रहा है फाइल नेम। तो यहाँ पर इस बार हम दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 कर देंगे और इसे भी हम एक बार फिर से सेव कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013, इसमें भी दोस्तों ये फाइल सेम है। इसके बाद दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 कम्प्लीट कंप्यूटर कोर्स, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 कम्प्लीट कंप्यूटर कोर्स।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 कम्प्लीट कंप्यूटर कोर्स। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि सेव का मतलब होता है जो करेंट फाइल आपको ओपन होता है जब आप सेव करते हैं तो उसी में सेव हो जाता है, और जब आप सेव एज करते हैं तो सेम उसी के जैसा एक और फाइल बन जाता है। तो दोस्तों आज आपने सीखा न्यू, ओपन, सेव और सेव एज। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, सी यू, बाय।